अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप एक साल के अंदर न्यूजीलैंड में बना पाएंगे 40 से 50 लाख का पैकेज। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको जॉब जो है एम्प्लॉयर के पास मांगने जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, आप ड्राइविंग जानते हैं, तो जॉब आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। इस प्रोफेशन के अंदर आप परमानेंट रेसिडेंसी भी पा सकते हैं 2 साल काम करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगी ट्रक ड्राइवर्स जॉब्स के बारे में या बस ड्राइविंग की जॉब्स के बारे में न्यूजीलैंड के अंदर। अब मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, आप मेरे पे तो विश्वास करेंगे नहीं, तो इसलिए आपकी वेरिफिकेशन के लिए मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट बोलती है, जो यहाँ की न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल वेबसाइट है stuff.co.nz, ये उनका आर्टिकल बोलता है कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज जो है न्यूजीलैंड के अंदर चल रही है ड्राइवर्स को लेकर के। ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर की जो जॉब्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर चल रही है, ये एक रीजनल स्किल शॉर्टेज लिस्ट में भी चल रही है। ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपका आवरली जो वेजेस हैं वो $23 से लेकर के $40 बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। और उसके बाद आपकी परमानेंट रेसिडेंसी भी इसके अंदर आसानी से लग सकती है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। ये वीडियो जो है मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बनाई है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी फैक्ट के बेसिस पे होगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप उसको वहाँ से वेरीफाई कर सकें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकें। तो दोस्तों, पिछले साल नवंबर 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसके अंदर जैसे कोविड रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से हटी थी, उसके अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थी उन्होंने मिलके एक ओपन लेटर इशू करी थी यहाँ न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन मिनिस्टर को कि हमारे पास जो लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है, हमारे पास काम करने के लिए बंदे नहीं है। न्यूजीलैंड के अंदर 6,000 ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज हैं जहाँ पर ट्रकीज़ की ज़रूरत होती है, ये जो बड़ी बड़े व्हीकल्स ड्राइव करते हैं उन लोगों की ज़रूरत बनी रहती है। अब 6,000 कंपनियां हैं, पर कंपनी जो उन्होंने निकाली कैलकुलेशन, सिर्फ 10 इम्प्लॉयज़ आ रहे थे, तो आप खुद ही सोचिए, अब 10 इम्प्लॉयज़ में से अगर दो बंदे अगर सिक लीव पे चले गए, दो बंदे छुट्टी पे गए हुए हैं, तो वो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे। 6 बंदे तो पूरी कंपनी का ऑपरेशन नहीं संभाल सकते। और उन्होंने अपनी ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर को लेटर के अंदर लिख के दी। उन्होंने अपने सारे चैलेंजेस बताए जो कि वो स्किल शॉर्टेज और लेबर शॉर्टेज के साथ फेस कर रहे हैं। इसके चलते जो मिनिस्टर थे उन्होंने $61 मिलियन का एक बजट इशू किया, जिसके अंदर उन्होंने जो नॉर्मल वेजेस चलते हैं यहाँ पर, मिनिमम वेजेस $22 रहता है, उन्होंने ये ट्रकीज़ का जो वेजेस है बढ़ा करके 26 कर दिया। और उन्होंने और भी बहुत सारी सुविधाएं इन लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आपको ट्रक चलाना आता है, हैवी व्हीकल चलाना आता है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको अच्छे वेजेस भी मिलेंगे। और मान लो अगर आपको आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है, आप ड्राइविंग जानते हैं, आपके पास कार का लाइसेंस है, तो वो कार का लाइसेंस भी आप धीरे धीरे करके दूसरे अपने लाइसेंसेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कार का लाइसेंस यहाँ Class 1 का लाइसेंस होता है, तो अगर आपको हैवी व्हीकल्स ड्राइव करने हैं तो उसके अंदर आप Class 2, Class 3, Class 4, Class 5 ऐसे लाइसेंस चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल का टाइप क्या है और वेट क्या है, उस हिसाब से लाइसेंस होते हैं। तो वो लाइसेंस जो है आप ट्रेनिंग लेते लेते उसकी अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा खर्चा जो है वो आपकी कंपनी ही देगी। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या है इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। आपको एक बढ़िया सा CV और कवर लेटर बनाना है। वो CV कवर लेटर बना करके आपने seek.co.nz पे जा करके डिफरेंट जॉब्स को अप्लाई करना है। गाइज, अब मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपने CV बनाना कैसे। ये हमने बस ड्राइवर का CV बनाया, आज इसमें देख सकते हैं आपने कलर स्कीम्स जो है वो बहुत ही सोबर लेनी है। पेज लिमिट होनी चाहिए 2 से 3 पेजेस का होना चाहिए। जिस इस CV के अंदर हमने जो मेन फोकस रखा है वो स्किल्स और वर्क हिस्ट्री पे रखा है। पहला सेक्शन हमने ऑब्जेक्टिव का रखा है, तो आपने भी ऐसा ही कुछ करना है। सेकंड हमने ये डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड बनाया है, इसमें भी सारा फोकस जो है स्किल्स और वर्क हिस्ट्री पे जाता है, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस आपने नहीं देना। ये थर्ड CV जो है इलेक्ट्रीशियन का CV है, ऐसे CV आप आराम से वर्ड के अंदर बना सकते हैं। अगर आपको नहीं यूज करना आता वर्ड तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये चार्जेबल सर्विस रहेगी। ये हमने टीचर का CV क्रिएट।
गाइज, अगर आप आज की डेट में भी seek.co.nz पे जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि ट्रक ड्राइवर की कितनी जॉब्स हैं, वहाँ पर आपको मोर देन 2000 जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी। ये जॉब क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, लेबर की बहुत ज़्यादा हाई शॉर्टेज चल रही है, तो अगर आप कंट्री से बाहर हैं, न्यूजीलैंड में नहीं भी अपनी होम कंट्री में भी बैठ करके आप इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन जॉब्स पे आपको बहुत ज़्यादा हाई चांस है नौकरी मिलने के, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनीज बहुत ज़्यादा विलिंग होती है, एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा विलिंग होता है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और इसके चलते अगर आपके पास ओवरसीज़ की कोई क्वालिफ़िकेशन है ड्राइविंग के रिलेटेड, या आपके पास ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस है, तो वो सारा एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पर भी कंसिडर किया जाएगा, तो वो आपका वेस्ट नहीं है, उसके बेसिस पर आपके यहाँ पर भी पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये तो एक बात हो गई। सेकेंडली अब मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन से वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी का वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे चलता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप ये वीज़ा डाल सकते हैं अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं 160 अबव। ये जो पूरी टोटल रिक्वायरमेंट्स है इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए, वहां से आपको एक्यूरेट पॉइंट्स का पता चल जाएगा। तो वो जो है आप अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, अगर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका वीज़ा लगने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेंशियल स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा। एसेंशियल स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा के अंदर आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए यहाँ के एम्प्लॉयर से। तो अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो आप उतनी देर के लिए, मान लो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 24 महीने का बन के आया या 12 महीने का, उतनी देर तक तो आप न्यूजीलैंड में रह भी पाएंगे, काम भी कर पाएंगे। उसके बाद जो है आप उसको अपना परमानेंट रेसिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद। बस उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी एज जो है अबव 18 होनी चाहिए, आपको एक ड्रग टेस्ट वगैरह पास करना है, आपका करेक्टर अच्छा होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास एक प्रॉपर वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपकी होम कंट्री का। तो ये तो हमने बात कर ली वीज़ाज़ की। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्रक ड्राइवर्स को करना क्या क्या होता है। ट्रक ड्राइवर का मेन काम होता है लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है इन लोगों को। इनको चलने से पहले अपने ट्रक का प्रॉपर एक चेक करना होता है कि प्रॉपर कंडीशन में है। उसके बाद सामान की पिकअप और डिलीवरी करनी होती है। उसके बाद वे करना होता है, जैसे ये ट्रक स्टार्ट करते हैं, जब जहाँ से लेके जाते हैं उसका वे करते हैं कि कितना वे है। तो ये हमारे पास काम रहते हैं ट्रक ड्राइवर के जॉब के रिलेटेड। तो गाइस, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं लेके आऊँगी फिर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़।